आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। कार्तिक मास का सबसे महत्वपूर्ण स्नान आज के ही दिन का विशेष महत्व रखता है। वहीं इस कोरोना काल के बीच लोग कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखे। लगभग सभी लोग बिना मास्क के ही दिखे, क्योंकि आस्था के साथ कोई भी समझौता संभव नहीं होता, जिसका जीता जागता उदाहरण आज के इस गंगा स्नान से देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस प्रशासन के लोग भीड़ को नियंत्रित करते दिखे एवं गंगा घाटों में नाव से एसटीआरएफ की टीम के साथ सदर एसटीओ सहित स्थानीय थाना के पुलिस कर्मियों के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग भी की गई, लेकिन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन के तरफ से ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दिखी। बताते चले कि छपरा जदयू महिला उपाध्यक्ष नीतू सिंह के द्वारा भी निरीक्षण कार्य किया गया और वहां मौजूद गोताखोर समाज सेवी कृष्णा सिंह ने बताया कि उनके टीम की तरफ से घाटों की निगरानी की जा रही है। भीड़ में कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो सके, इसके लिए दर्जनों गोताखोरों को मुस्तैद किया गया है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। आज का स्नान का यही महत्व है कि कार्तिक मास का लास्ट महीना पूर्णिमा माना जाता है। पूर्णिमा पे कुछ दान पुण्य किया जाता है कष्ट के लिए, उपकार के लिए। यहाँ काफी भीड़ है, कोरोना काल में काफी भीड़ है, वैसे में क्या व्यवस्था है यहाँ प्रशासन की तरफ से? कोरोना काल में जो व्यवस्था है वो काफी अच्छा है, लेकिन पब्लिक नहीं मान रही है तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार कर सकता है। क्या नाम है आपका? मैं नीतू सिंह, जदयू जिला उपाध्यक्ष। क्या नाम है आपका? कृष्णा सिंह पहलवान जी। गोताखोर हैं आप, क्या व्यवस्था है? अध्यक्ष भी हैं। आज जितना नदी में कोई नहीं घुस पाता है उतना हम घुसते हैं, उतना व्यवस्था हम करते हैं। और यहाँ पर कोई व्यवस्था प्रशासन दे चाहे ना दे, लेकिन एक खबर आ जाता है तो समाज के लिए, मैं हर किसी के लिए जो करते हैं वो हमारे मीडिया लोग भी जानता है और मेरे गांव के जनता भी जानता है। यहाँ आपकी टीम लगी हुई है? मेरे टीम 22 टोल, अपने बच्चे और मैं अपना नाव वगैरह अपने व्यवस्था से सीओ साहब के आदेश के अनुसार, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए कि जो पहले होता था वो अब न हो। ये 5 साल से अभी तक ले, कोई 7 साल से भी बता दे, कोई घटना नहीं हो पा रहा है और उस घटना को बचाने के लिए हम तत्पर रहते हैं।